इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में किसी भी तरह के वेबसाइट को आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सरू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। आजकल इंटरनेट में ऐसी बहुत सी वेबसाइट आ गई है जिन्हें आप एक्सेस करना नहीं चाहते, या फिर आप एक पेरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इन वेबसाइट को एक्सेस ना करें, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब या फिर कोई पॉर्न वेबसाइट हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में किसी भी वेबसाइट को आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन करना है, तो उसके लिए हम सर्च करते हैं नोटपैड। जैसे आपको नोटपैड मिल जाएगा, उसके बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो जैसे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो एक ब्लैंक पेज ओपन होगा नोटपैड का पे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपन का, तो आपको ओपन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सी ड्राइव सिलेक्ट करना है। यहाँ से देखिएगा विंडोज सी ड्राइव, तो इस पे सिलेक्ट करा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा विंडोज का, तो आपको विंडोज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आके आपको सर्च करना है सिस्टम 32। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिस्टम 32 मिल जाएगा, तो आपको एस वाले ऑप्शन में चेक करना है। तो सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च करना है ड्राइवर का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा ड्राइवर्स का ऑप्शन, तो आपको इसे सिंपली डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको इसके अंदर एक ETC का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। अब फिलहाल यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो आपको सिंपली यहाँ नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइल्स है वो आपको दिख जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली होस्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप होस्ट फाइल को ओपन करते हैं तब आपको नोटपैड कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको एक IP एड्रेस दिखाई देगा 127.0.1, इसको सिंपली आपको कॉपी करना है और यहाँ नीचे आके इसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस वेबसाइट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं उसका URL आपको यहाँ पे सिंपली एंटर करना है। तो चलिए मैं फेसबुक को ब्लॉक करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मैं www.facebook.com एंटर करता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है यहाँ से। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं। तो चलिए हम ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पर हमने टाइप करा facebook.com। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फेसबुक है वो चल रहा है फिलहाल के लिए। तो अब आपको क्या करना है, हम फिर वही नोटपैड फाइल पे जाते हैं। ये हम नोटपैड फाइल पे गए, उसके बाद आपको यहाँ पे इसे सिंपली से सेव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर को क्लोज कर देना है जो आपने ओपन करा था। देखिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा हम इस ब्राउजर को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमने डाला facebook.com। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ रहा है दिस साइट कांट बी रीच, यानी इसका मतलब है कि आपने जो है फेसबुक ब्लॉक कर रखा है अपने फायरवॉल में, यानी होस्ट फाइल की मदद से। तो इस तरह आप जितने भी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं, सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जाना है, ये कॉपी करना है और इसी के नीचे आपको दोबारा ये पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो भी वेबसाइट आप ब्लॉक करना चाहते हैं उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए मैं यहाँ पे एक और वेबसाइट आपको ब्लॉक करके दिखाता हूँ, www.youtube.com। तो देखिए मैंने YouTube को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप यहाँ पे देखिए YouTube का एड्रेस डालिए, ये एक्सेस नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये एक्सेस नहीं हो रहा। अब आपको क्या करना है, इसे अनब्लॉक करना है। तो सिंपली आपको क्या करना क्या है, यहाँ से इस फाइल को सिलेक्ट कीजिए और इसे डिलीट कर दीजिए। उसके बाद फाइल को सेव कर दीजिए। उसके बाद जब आप YouTube को एक्सेस करेंगे तो आप देख सकते हैं YouTube एक्सेस हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने कंप्यूटर में किसी भी वेबसाइट को आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सके। और आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।